कबूतर किधर? अरे वो जो सामने से लटकते मटकते आ रहे। अरे वो तो छोटू दादा है। ये छोटू तो समझ में आ रहे, ये दादा क्या है रे? दादा बोले तो भाई, इस मोहल्ले का भाई ये। ओ तेरी पटेली दिखाते क्या इधर? पूरे खानदेश में नाम चलता है इसका, छोटू दादा। जरा मैं भी तो देखूं, कितना बड़ा दादा है ये छोटू दादा। ए इधर आ रे। अबे तेरे को बोल रही हूँ मैं। बोल। मैं? हाँ हाँ तू। इधर आ। क्या है वो? क्या रे? सुने खानदेश में बहुत पटेली दिखाता है तू। ओ बावली है। पटेली पैंट नहीं पहनता मैं, हमेशा सिलेली पैंट पहनता मैं। अबे साले चिरकुट को पटेली का मतलब भी नहीं मालूम है। और तू है कौन वो? जितना बात कर रही तो काजल दादा फ्रॉम मुंबई। सान पड़ा से लेके नाक पड़ा तलक एक ही नाम चलता है, काजल दादा। ऐसा मतलब सान पड़ा से लेके नाक पड़ा तक जितने भी लोग रहते सबका नाम काजल दादा है क्या? अरे दिमाग का इलाज करा। अबे दिमाग से पैदल। काजल दादा बोले तो अपुन पूरे मुंबई में नाम चलता है अपना। हाँ तो अमेरिका में मेरा नाम चलता, चीन मेरा नाम चढ़ता। अरे ये शाना तो अपुन को एकदम हल्के में ले रहा है। अबे छोटू काजल दादा से डर। काजल दादा? वैसे काजल को मैं रात में आंखों में लगाता और सुबह में मुंह धो डालता। बोले काजल दादा। सुन वो नवी चिड़िया, नवी दिख रही उससे तेरे को समझा रहा। मेरे साथ में जरा हिसाब से रहना, छोटू दादा नाम है मेरा, समझी क्या? अब तो तू गया रे छोटू दादा। चलो रे मैदान साफ हो गया, खेल शुरू करते हैं। पहले मैं बैटिंग करूंगा। नहीं पहले मैं बैटिंग करूंगा। नहीं मैं बैटिंग करूंगा। ए पहले बैटिंग कौन करेगा इसका फैसला मैं करूंगी। कैप्टन मैं कि तुम लोग आ रहे? पहले बैटिंग मैं करूंगी। ए छोटा बकेट, पूरा खानदेश को मालूम है यहाँ का सलामी बल्लेबाज मैं छोटू तेंदुलकर। बैटिंग करूंगा मैं और तू बॉलिंग करेंगी। अरे चिल्लर रो, तुम लोग फील्डिंग करेंगे। अबे छोटू अगर तू खानदेश का तेंदुलकर है ना तो मैं भी शान पड़ा की काजल धोनी हूँ, समझा क्या? ऐसा धोऊंगी ना कि तू सोच भी नहीं सकता। और रही बात सलामी बल्लेबाज की, वो तो मैं हूँ। तुझे अगर खेलना है ना तो बॉलिंग कर, नहीं तो वट ले यहाँ से। ठीक है मैं करता पहले बॉलिंग। अबे तू तो मेरे सही बॉल की है। अबे तेरे हर बॉल पे सिक्सर नहीं मारी ना, तब बोलना चला जा। अरे तो चलना। मैं किसी टीम का नहीं बल्कि मैं खुद एक टीम हूं और ये मेरे दोनों फील्डर हैं, हक्का और बक्का। चलो अभी फटाफट ये ग्राउंड खाली करो और निकलो यहां से, क्योंकि कल से इस ग्राउंड का मालिक मैं बनने वाला हूं। अरे भैया तू कल मालिक बनेगा, आज तो अभी मैं खेलना नहीं। नो चांस, क्योंकि आज मैं इस जमीन की मोजनी करूंगा और कल आके इस जमीन पे सारे पत्थर गाड़ूंगा। भैया तो कल बनना पड़ रहा है ना, तो ए छोटू हमारी इनिंग पूरी हो गई, अब तू बैटिंग कर ले। हमारी इनिंग पूरी हो गई? कितने रन बनाए तुमने? पूरे 200 रन बनाए। 200? क्या 200 रन? ये सब तेरी वजह से हुआ, अब 200 रन कैसे बनाऊंगा मैं?
तेरे 200 रन के वास्ते मेरी 2 करोड़ की जमीन पे खड्डे करेगा क्या तू? चल निकल इधर से। क्या रे छोटू, ये नया करेक्टर कौन है? मेरे को जरा टेढ़ा दिख रहा है ये। ओ बाउली, ये टेढ़ा का मेढ़ा ज्यादा दिख रहा है मेरे को। ए चिल्लर पार्टी, जास्ती बोलने का नहीं, जिसने आगे पीछे कभी ना सोचा, नाम है मेरा बाबू लोचा। ए जाओ रे, इनके डंडे उंडे उखाड़ के फेंको और मुझे करो जमीन की। जाओ छोटू, आज तेरी वजह से पहली बार मुझे इतनी जिल्लत उतारनी पड़ी। सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। बाबू अंकल, ये जमीन खरीद ली है क्या आपने? 2 करोड़ में खरीदा है जमीन मैंने। यहाँ पे क्या बनाएगा बाबू भैया तू? यहाँ मेरी मजार बनाऊंगा, मजार। तो तेरी मजार पे मेरे को मुजावर बना लेना भैया तू। नो चांस, क्योंकि मेरी मजार पे मुजावरी के लिए मेरे दोनों हक्का बक्का ही काफी है, समझ गए? क्या सबूत है कि ये जमीन आपने खरीद ली है? सबूत मेरी गाड़ी में है, यानी कि इस जमीन के सारे पेपर मेरी गाड़ी के अंदर मौजूद है। देखो बाबू भैया, बच्चों के नाथ में लगे ले काम धंधे पे ध्यान नहीं दे रहा, और बच्चों के साथ लगे ले। देख चल देखते। क्या बाबू भैया, तूने भी असली घी खाए ले लगता, बच्चों के पीछे पड़ा। वटाने इनको यहाँ से। तेरी वजह से 4 बार गलती हुई है मोदनी में हमसे। अबे तो भगा ना उन लोग को, भगा उधर। बढ़ रहे यहाँ से। बाबू लोचा, यार तेरी मजार बने ना बने, पर मैं तेरा मजाक जरूर बना दूंगा। अबे मेरा बैग किधर है? बैग किधर है मेरा? अबे बैग किधर है क्या? पीछे भी नहीं भैया। अबे अगर मेरा बैग नहीं मिला ना, तो मेरा 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। हेलो, सुना है तेरा बैग चोरी हो गया? कौन बोल रहा है तू? वो जिसकी थोड़ी देर पहले कुछ औकात नहीं थी, इस वक्त तो पूरे 2 करोड़ का मालिक है मैं। कौन बोल रहा है साले तू? सीधे से मेरा बैग मेरे हवाले कर दे, देखो समझा के बोल रहा हूँ मैं। अबे हेलो, आई क्या? अबे साले कौन है तू, सामने आ। मुझे देखने का है देखू? हाँ हाँ, तेरे को देखने का है मेरे को, तू खाली सामने आ। तो फिर उल्टे हाथ पे बुला। साले तू है, तूने छुराया मेरा बैग? छुराया नहीं था, गाड़ी में से उठाया था, वो भी इज्जत के साथ। साले सीधे से मेरा बैग मेरे हवाले कर दे, बोल दे रहा हूँ तेरे को। हलवा है क्या? क्या मतलब? मेरी कुछ शर्त है। कैसी शर्त? ये अक्का बक्का ने मेरे को धक्का मार के हटा ले देना, अभी तू इनको 10-10 थप्पड़ मारेगा जब मैं वो बैग तेको दूंगा। अच्छा ठीक है ना, ओके। बाबू भैया, थप्पड़ मारने का सोचना भी मत है। मारा क्या? अबे रुकना, रुक जा, मार रहा हूँ ना, रुकना, जल्दी मार। खा लेना, अबे 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। किधर गया? अबे अक्का, उठ जा मेरे बच्चे, मुंह मत छिपा, सिर्फ वैसी थप्पड़ की बात है। अबे 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा मेरा, समझ ना यार, सिर्फ 10 थप्पड़ की बात है। मार दिया दोनों को 10-10 थप्पड़। अब तो मेरे पेपर मेरे हवाले कर दे मेरे भाई। नहीं, मेरी एक शर्त और है, तूने हमको क्रिकेट के ग्राउंड से हटाला था ना, अब तू 10 उठक बैठक लगा। अबे मैं उठक बैठक लगाऊ? अबे मत ना छोड़ो, मेरी पैंट बहुत फिट है भाई, अगर बैठा ना तो जरा समझना भाई। नहीं बाबू भैया, तेरे को उठक बैठक मारना ही पड़ेगा, तेरे ही 2 करोड़ का सवाल है, हमको कैसे 10-10 थप्पड़ मारा।
तेरे 2 करोड़ के वास्ते हमने दग दग थप्पड़ खाए ना। अबे छोटू इनसे करवा लेते ना, ये दोनों कर लेंगे ना उठक बैठक। नहीं अब तुम तीनों उठक बैठक करेंगे। तीनों करो, चलो रे करो। अरे बाप, बस छोटू 10-10 बैठक भी लगा लिया भाई, हो गया देना पेपर मेरे। नहीं अभी मेरी आखिरी शर्त तो बाकी है, ये अक्का बक्का ना तुमको 10-10 रुक्के मारेंगे। तुम लोग मेरे खास दोस्त लोग है ना, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे बहुत अच्छे अक्का बक्का में मेरे फील्डर है ना तुम लोग। चलो शुरू हो जा रहे हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे अक्का जनरल। भैया तेरे पाव पड़ता है, दे दे पेपर मेरे। पहले वादा कर कि हमको ग्राउंड में हकालेगा नहीं तू। कभी नहीं हकालूंगा भैया, कभी नहीं हकालूंगा। हमको रोज क्रिकेट खेलने देगा? अबे रोज खेलना भैया, तू आके रोज खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ काजल बैग लेके आ जा। दे दे उसको। ये ले बाबू लोचा, मगर एक बात याद रखना बाबू लोचा, सब कुछ करना लेकिन हम बच्चों से कभी पंगा मत लेना। समझ गया मेरी माँ और भाई लोग, समझ गए ना, सब कुछ करना, बच्चों से पंगा कभी मत लेना।